आपको क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? योगी बाबा की। 10 तारीख को किसकी सरकार बनेगी? मोदी योगी सरकार बनेगी। वोट किसको लग रहा है 10 तारीख को किसकी सरकार बनेगी? इनकी कृपा है मोदी जी को ही। आप बताइए मोदी जी के काम से खुश हैं? खुश है, बहुत खुश है। मथुरा से रहने वाला हूँ, 15 साल पहले मैं आया था, तब कुछ भी नहीं था यहाँ, लेकिन आज ये भव्य दिव्य इतने बढ़िया दर्शन हो रहे हैं और लाखों लोग अंदर चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वोट के मामले में किसको सबसे ऊपर मानते हैं? क्या लगता है 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं बनारस के दशाश्वमेध घाट में मौजूद हूं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहीं पे गंगा आरती होती है और इस गंगा आरती की चर्चा पूरे देश भर में है, क्योंकि बनारस की गंगा आरती और बनारस का घाट अपने आप में बेहद खास, बेहद महत्व है। मैं इस वक्त बोट में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे आस पास बहुत सारे बोट लगे हुए हैं, लोग बैठ कर गंगा आरती के दर्शन करते हैं, गंगा मैया के दर्शन करते हैं। तो चुनाव नजदीक है तो चुनावी चर्चा भी बेहद जरूरी है। आज हम इन लोगों से जानेंगे, यहाँ पे बहुत सारी बनारस की भी जनता है जो हर दिन शाम को आती है, गंगा माँ के दर्शन करती है, कुछ टूरिस्ट भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि बनारस कितना बदला। पर सबसे अहम 7 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है, तो यहाँ की जनता किसे चुनेगी, किसकी सरकार बनाएगी, वो सवाल बहुत अहम है। भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस से। किसको वोट करने जाएंगे 7 तारीख को? वोट तो देखिए जो अच्छा काम करेंगे और देश के लिए जो सोचेंगे तो उनके लिए प्राथमिकता रहेगी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छा कार्य कर रहे हैं और योग पुरुष माने जाते हैं वो, और ये काशी को बहुत अच्छा बना रखे उन्होंने, और एक भगवान काशी एक भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल में अभी समाया हुआ ये काशी को, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत खास या एक हमारे हिंदुस्तान या भारत के बहुत एक उच्चतम स्थान पर पहुँचाने जा रहे हैं, इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ही सपोर्ट करेंगे जहाँ तक। तो बम बम काशी बोल रहा है, हर घर मोदी का नारा यहाँ गूंजता है, कुछ लोगों से जानेंगे। आपको क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? योगी बाबा की। योगी बाबा की बनेगी, क्या लगता है, क्या अहम मुद्दे हैं? अहम मुद्दे तो काफ़ी हैं, जैसे बेरोजगारी एक मुद्दा है जो हमारे बाबा के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है, बट उसके अलावा काफ़ी चीज़ों में उन्होंने विकास किया है, जैसे वाराणसी। तो आप युवा हैं, आप बेरोजगार के मुद्दे को अहम नहीं मानते? अहम मानते हैं, बट उसके अलावा तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 20 लाख नौकरी देंगे हम उनकी सरकार बन गई तो। जब उनकी 5 साल की सरकार थी तो हमने देखा था कितने यादव कितने सब भर्ती हुए थे, हमने सब देखा हुआ है जी। तो आपने सुना कि यहाँ के युवा का ये कहना है कि पता है उनको कि रोजगार एक साधन है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं भरोसा है। आप बताइए 7 तारीख को किसको वोट करने जाएंगी आप? देखिए अभी क्या बोलेंगे, जो अच्छा करेंगे उनको ही देंगे, मतलब जहाँ अच्छा काम जहाँ विकास उसी पे बटन दबाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा डिसीजन है ये। आंटी आप कहाँ की रहने वाली हैं? महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग से। अच्छा, कैसा लग रहा है, मोदी का गढ़ है बनारस, मोदी ने बनारस में काम किया? अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है मोदी का काम। अंकल बदला है काशी? अच्छा अच्छा है। आप इसके पहले कभी आए? इसके पहले कभी आए थे? नहीं। आप कहाँ के रहने वाले? मैं मथुरा से रहने वाला हूँ, 15 साल पहले मैं आया था, तब कुछ भी नहीं था यहाँ, लेकिन आज ये भव्य दिव्य इतने बढ़िया दर्शन हो रहे हैं और लाखों लोग अंदर चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। विश्वनाथ कॉरिडोर देख लिया? देख लिया, कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब की बार आप भी यूपी से हैं, 10 तारीख को किसकी सरकार बनेगी? मोदी योगी सरकार बनेगी। मोदी जी की सरकार बनेगी। वोट कर दिया होगा? किसको वोट किया? मोदी जी को। सब वोट जी को वोट किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कैसा लगा? सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत पहले आप गए थे काशी? मैंने पहले नहीं देखा, मैंने पहली बार आई हूँ। हाथ में प्रसाद भी है, दिया जलाने जा रहे हैं, शाम की आरती का मजा लिया है इसके पहले कभी? नहीं मैम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे, है ना। जो बदलाव योगी मोदी की सरकार में हुआ है, आप मानते हैं कि एक बार फिर से योगी मोदी की सरकार बननी चाहिए? जी बिल्कुल बने, बिल्कुल बने। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मऊ, यूपी। आप भी मऊ की हैं, तो आपका वोट किसको जा रहा है? योगी को। आपका? योगी को। योगी। तो कुल मिला के यहाँ कहना है कि जितना विकास हुआ है, विकास के मुद्दे पे यहाँ की जनता जो है वो वोट करेगी। देखिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं दर्शन के लिए, और दर्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप काशी आते हैं तो काशी की गंगा आरती को आप मिस नहीं कर सकते। आप काशी आए और गंगा आरती के दर्शन ना करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप पहली बार आई हैं? नहीं, मैं 3 बार आ चुकी हूं। 3 बार आ चुकी। 3 बार में मतलब डिस्टेंस कितना कितना रहा है? अब आपको अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितना बदला है काशी?
बहुत चेंज हुआ है इधर, बहुत अच्छा लगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गई? हाँ गई, बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत लगा। कहाँ की रहने वाली है? जौनपुर की रहने वाली। जौनपुर की है तो वोट किसको लग रहा है 10 तारीख को, किसकी सरकार बनेगी? जिनकी कृपा है मोदी जी को ही मोदी जी को ही वोट करेंगी। आंटी आप कहाँ की रहने वाली है? मैं भी जौनपुर की। आप भी जौनपुर की है, आपने वोट कर दिया जी? किसको किया है? अभी 7 तारीख को, अभी 7 तारीख को है जौनपुर में वोटिंग। यही जानना चाह रही थी कि आपको पता भी है या नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ये बताइए 7 तारीख को कहाँ बटन दबाएंगे? अब देखो अभी कुछ पता नहीं, इसलिए कि घर में 3 बेटा बेटी सब पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, केवल हाँ नहीं मिला है, बस वही गेहूँ चावल सब खा के पेट भरेंगे, उसके साथ साथ और भी चीज। रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा है और रोजगार को लेकर बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्योंकि मोदी योगी के सरकार में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है। बाबा पहली बार आए हैं? हाँ दोबारा आए। कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी ने काम किया है कि नहीं? बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम। आप बताइए मोदी जी के काम से खुश है? खुश है, बहुत खुश है। हाँ बहुत खुश है। कहाँ के रहने वाले हैं? एक्चुअली हम महाराष्ट्र से है, लेकिन गोवा के नजदीक है, वहीं पे भी बीजेपी का गवर्नमेंट है। और अभी जो हमने हरिद्वार में भी देखा और कुरुक्षेत्र में भी देखा, इधर भी देखा, जब सभी जगह मोदी का ही नारा है। गोवा में तो वोटिंग हो गई, किसको वोट करके आए? नहीं एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमारे यहाँ वोटिंग नहीं थी, लेकिन गोवा के बॉर्डर में बोलते उनको ही हमारे उम्र लग जाए, ऐसा ही बोलते वहाँ पे कुरुक्षेत्र में। तो 10 तारीख को किसकी सरकार बन रही है आप लोग के हिसाब से? हाँ मैंने ये तो बहुत अच्छी बात कही कि समझदार के लिए इशारा काफी है। इंतजार कर रही है आरती का, पहली बार आई है या बार बार आ चुकी? हम यहाँ के ही रहने वाले हैं। अरे वाह, अब आप ये बताइए आप यहाँ की रहने वाली हैं, आप तो बचपन से ही आपका यहाँ आना जाना होगा, कितना बदला है काशी सफाई के मामले में, घाट की सफाई के मामले में, विकास कितना हुआ है? काफी चेंज हुआ है, अब पहले घाट गंदे रहते थे, अब सफाइयाँ हो गई है, सड़कें बनी हैं, तो काफ़ी भाजपा सरकार के आने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। आप बनारस की हैं, महिला सुरक्षा की बात करूँ तो महिला सुरक्षित है? रात को निकलने से डर लगता है या चोरी डकैती ऐसी चीज़ें? अब उतना नहीं लगता है, थोड़ा इम्प्रूव्ड हुआ है। अब हमारे यहाँ जैसे ओला कैब्स आ गई हैं, तो हम इंडिपेंडेंटली बुक कर सकते हैं, आ सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, तो काफ़ी प्रोग्रेस आया है यहाँ पे, जो कि पहले नहीं था। हम पहले डरते थे, बट अब नहीं डरते, अब सेफ एंड सिक्योर फील, सेफ एंड सिक्योर। तो 10 तारीख को किसको वोट करेंगे? भाजपा भाजपा। आप बताइए आप किसको वोट करने जा रहे हैं? आप बनारस के हैं? वोट कर चुके हैं। अच्छा, वोट कर चुके हैं, दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को कि वोट कर चुके हैं। अब ये भी बता दीजिए कि किसको वोट करके आए हैं? मैम ये गोपनीय है। अरे अब तो आपने वोट कर दिया, बता दीजिए। बीजेपी। बीजेपी को वोट करके आए, क्यों आपने किया? विकास हुआ है, विकास के मुद्दे पे वोट किया है आपने? जी मैम, मेरे शहर में तो हुआ है, फतेहपुर में। फतेहपुर में विकास हुआ है, ये परिवर्तन आपने देखा था इसके पहले कभी? नहीं नहीं, इसके पहले तो कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। तो तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हैं दर्शन के लिए, और दर्शन एक बहुत अहम मुद्दा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि जब जब आप काशी आएंगे तो दर्शन आप ज़रूर करेंगे, और दर्शन के लिए ही लोग दूर दूर से आते हैं। काशी का नज़ारा है ये, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और ये खूबसूरत नज़ारा हर बार देखने को नहीं मिलता। आप बताइए आप कितनी बार आ चुके हैं? मैं सब 3 बार आया मैडम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। आप कहाँ के रहने वाले? मैं विंध्याचल का रहने वाला हूँ। वोट के मामले में किसको सबसे ऊपर मानते हैं, क्या लगता है 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी। मेरा सवाल ही खत्म नहीं हुआ, आपने जवाब दे दिया। मोदी ने काम किया है लग रहा है? काम बहुत काम किया उन्होंने, बहुत ज्यादा अच्छा। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार हावी है, ममता बनर्जी भी आई हैं दर्शन के लिए, बार बार विपक्ष रोजगार का मुद्दा उठा रहा है, गठबंधन भी अखिलेश ने कई पार्टियों के साथ किया, कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, जो फायदा मोदी को होगा बस। मोदी ने बहुत सारा काम किया है। चलिए अंकल ने पीछे से कुछ आवाज दिया अखिलेश भैया के बारे में, जरा पूछूंगी, चर्चा बहुत जरूरी है, क्या लग रहा है? अखिलेश भी आ रहे हैं, लेकिन ममता दीदी भी आई हैं, अखिलेश भैया भी आ रहे हैं, ममता, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। कुछ वो कह रही है कि जैसे बंगाल में खेला हुआ था वो खेला वो यहाँ करेंगे, हो चुका उनका, उन दोनों का खेला हो चुका है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए। तो एक बार जाते जाते अपने दर्शकों को एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि ये दशाश्वमेघ का घाट है, आरती की शुरुआत हो चुकी है, बस इसके बाद थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे भजन कीर्तन शुरू होगा, उसके बाद आरती होगी। ये वो खूबसूरत नज़ारा है जो बदला है, काशी बदली है, काशी की तस्वीर बदली है, और इसी बदलती तस्वीर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।
और सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है। यहाँ की जनता विकास को लेकर बहुत ज़्यादा खुश और संतुष्ट है। हर हर काशी बोल रहा है और काशी के गली मोहल्ले में मोदी योगी के नारे गूंज रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 तारीख को काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद किस पार्टी की तरफ जाता है। काशी विश्वनाथ से स्पेशल शो में मैं पूजा, कैमरा पर्सन अशोक के साथ कैपिटल टीवी वाराणसी।